सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देख सकते हो इतना बड़ा सा बॉक्स आपके सामने रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर आया है सोफा जो कि हम लोगों ने 3 सीटर मंगाया है। और ये देखो चाकू कैंची सब लेकर मैं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे इसको काटना है, देखना है, बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे आप लोगों ने थंबनेल में तो इसका पिक देख लिया था कि कैसा होने वाला है, बट लेट्स अनबॉक्स इट और दिखाते हैं आपको, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड यार। मैंने अनबॉक्स नहीं किया, जैसे ही आया मैं अनबॉक्स कर ली, मतलब वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ। बॉक्स काफी बड़ा है, मतलब मैंने कभी नाप वाप के भी देखा, बॉक्स का साइज एग्जैक्ट जितना बोला गया था ना उतना ही आया है। हमारा जो सोफा था मैंने येलो कलर मंगाया था, पता नहीं आपको कैसे कलर पता चल रहा है नहीं। तो देख सकते हो मैंने इसको पूरा पलटा दिया है, क्योंकि ये पूरा जो है ना मतलब DIY किट है, इसको आपको खुद से सजाना होता है। इन्होंने पूरा खोल खोल करके दिया है, तो काफी बड़ा सा है। ओ, इसका पैर है। तो दिया, अब चलो इनको थोड़ा अनपैक किया जाए। पैकेजिंग काफी अच्छी आई है, पूरा बबल रैप हो गया है। ओए वाव, एक्चुअली मैं इतनी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पूरे खानदान में, मतलब जितने तक मैं जाती हूँ, मेरे दादा मेरे घर पे, किसी घर में भी सोफा नहीं है। एंड मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये सोफा खरीदा है, सो दैट्स व्हाई मेरी एक्साइटमेंट आप देख सकते हो। प्राइस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोगों ने मैं लिंक नीचे दे दूंगी, बाय लिंक इसका आपको चेक कर लेना। मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली वही 13,000 के लमसम में खरीदा है। यार सही है प्रोडक्ट, मुझे बहुत खुशी हो रही है। निकल जाओ यार, अच्छा बैग भी खोलते हैं। मजा आ रहा है दोस्तों, तो रही हो ना आप लोगों को। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता है ऐसे बहुत सारे लोग ना मतलब येलो प्रेफर नहीं करते, बट मैंने येलो इसलिए लिया है क्योंकि भाई मेरा यूट्यूब सेटअप है, तो उसके लिए मुझे येलो ही चाहिए था ब्राइटनेस के लिए। आप लोग चाहो तो इसमें और भी कलर ऑप्शन है, देख सकते हो ग्रीन था, ब्लू था, मरून था, तो आप लोग वो देख लेना। भाई मेरे को तो येलो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखो उनका डिजाइन बना दिया। ज्योति लिखूँ क्या, लिखा जाएगा बट लिखूंगी नहीं, दिखाती हूँ इस साइड आई मैंने। ये देखो एक एरिया आपको दिख रहा होगा जिसमें कि आप कुछ कुछ सामान वगैरह को रख सकते हो, ये आपका इस हैंड के बगल में है। और साथ में एक पोटली मिली है जिसके अंदर की इसका स्टैंड है, क्योंकि अभी ये विदाउट स्टैंड ही हमने लगा रखा है, तो इसमें स्टैंड है। ये देखो मेरा कुशन्स जो कि मैंने लिया है, ये अगर मार्बल फैन हो आप तो आप हल्क ले सकते हो। साथ में ये मेरा प्यारा प्यारा कुशन्स है, तो ये इसके बाद एडिशनल क्योंकि कुशन्स थे नहीं तो मैंने इसको पहले से ही मंगा के रखा था। ये मैंने अमेजोन से बाय किए, अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। कवर था बेसिकली ये, और अंदर मैंने जो कुशन लगा रखे हैं उसका बाय लिंक आपको दे दूंगी। काफी अच्छे हैं, मतलब कॉजी कॉजी से है, मुझे तो काफी मस्त लगा, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो चलिए अब इस पैकेट को हम लोग ओपन करते हैं। तो ये रहा इसका पाया, ये देखो कुछ इस तरह से 4 पीस मिला है हमें, जो कि हमें अभी नीचे सेट करना होगा, तो वापस इसको उलटाना पड़ेगा। और ये रहे कुछ स्क्रूज जो कि इसमें हमें लगाने होंगे। तो चलो पहले इसको उल्टा लेते हैं। मैं हूँ बाहुबली द गर्ल, मम्मी मम्मी मम्मी, अब मैं बाहुबली नहीं हूँ। हम पहले एक पाया को लेते हैं और इसमें से भाई ये जो भी चीज़ें हैं सारे को उलट देते हैं। यहाँ पे ये पहले बड़ा वाला स्क्रू ले लो आप, और इसके अंदर देखो यहाँ पे होल है, इसमें डाल दो ताकि इससे ना कुछ ऐसा सा निकल जाए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा यहाँ पर एक होल और इसको यहाँ पे सेट कर देना है। 10 minutes later यहाँ पर मैंने चारों साइड आप देख सकते हो चारों पाया मैंने लगा दिया है यहाँ, और यार काफी सही है। मतलब एक्स्ट्रा स्क्रूज जो आए थे वो मैंने नहीं लगाया, जो कि अब चारों सोनों में जो एक लगाने वाला ऑप्शन था ना वो मैंने नहीं लगाया, ये 1, 2, 3, 4 इतना में ही काम हो गया। अब आपको साइज इसका मैं नाप के दिखाती हूँ, ये लगभग आपका 11 सेंटीमीटर का ये पाया है, देखो एग्जैक्ट 4 इंच के लगभग का, तो ये मेरा 4 इंच ही आपका बढ़ा देगा हाइट। लेट्स सी पूरा सोफा हमारा कितने हाइट का है, क्योंकि जितना कंपनी ने क्लेम किया है उतना है या नहीं। हैंड की लंबाई अगर देखें तो यहाँ पर टोटल ये 68 सेंटीमीटर की आ रही है, और ये वाला अगर बैठने वाला इलाका देखें मतलब यहाँ से सिर्फ वहां तक,
145 सेंटीमीटर ये हो गया। अब टोटल आपको अगर दिखाए, यहाँ से नापना अपन शुरू कर रहे हैं। मेरा फीता ही खत्म हो गया, बट यहाँ तक आया 160 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 70, यानी कि 177 इसकी नीचे तक की आ रही है, 145। मतलब बाकी हैंड जो है ना, हैंड की चौड़ाई आपकी लगभग 12 सेंटीमीटर। तो भाई ये थी इसकी पूरी मेजरमेंट एंड अनबॉक्सिंग, तो आप लोगों ने देखी ली और थोड़ी बहुत मस्ती भी देख ली मेरी। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो उसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा कंपेरेटिवली, मतलब अगर 13,000 में आपको भाई सोफा चाहिए तो बेस्ट है, मुझे बस काम चलाओ चाहिए था। और हाँ, अगर आप ये वाले प्यारे प्यारे क्वेश्चन चाहते हो तो इसका बाय लिंक भी नीचे दे रखा है, जरूर से बाय कीजिए। बच्चों को यार काफी पसंद आएंगे, काफी एस्थेटिक लुक है। आपसे अगले वीडियो में, पसंद आया तो लाइक जरूर करना।